एशियन न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना संक्रमित मामलों में कमी आना शुरू हो गई है। हर रोज मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में पाबंदियां कम की जा रही हैं और बंद स्थानों को खोला जा रहा है। साथ ही शादी ब्याह में भी लोगों की संख्या बढ़ा दी जा रही है। देश में जाकर राज्यों ने स्कूल और कॉलेजों को भी खोलना शुरू कर दिया है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी मामलों की घटती संख्या को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को 7 फरवरी से खोलने का आदेश किया गया है। नई गाइडलाइन के तहत ये फैसला किया गया है। साथ ही स्कूल परिसर को साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना, फेस कवर करना ये अनिवार्य होगा। इसके अलावा पूरे स्टाफ और शिक्षकों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। COVID-19 को लेकर नई गाइडलाइन को लेकर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि 7 तारीख से स्कूल खोले जाएंगे। 9th और 10th क्लास तक के स्कूल खोले जाएंगे। बता दें इससे पहले प्रशासन ने 6 फरवरी का यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था। हालांकि इस दौरान स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी गई थी, जिससे बच्चों के भविष्य पर कोई प्रभाव न पड़े। इससे पहले यह आदेश 30 जनवरी तक के लिए लागू किया गया था, जिसे आगे बढ़ाकर 6 फरवरी कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा यूपी में 7 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खुलने जा रहे हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में भी स्कूलों को खोला जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस संबंध में राज्यों के विचार विमर्श के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है। देश में स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ के 95% से ज्यादा का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है, जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए, जबकि 1,060 लोगों की मौत हो चुकी। इस दौरान 2,30,814 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बाकी यूपी की तरह के यहाँ कोरोना वाले मामलों में कमी का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के राज्य में 3,807 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 8,817 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।